पूरे सिस्टम को अपने फर्जीवाड़े से घुमा देने वाली ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की, जिनका गेम ओवर हो चुका है। आईएएस पूजा खेड़कर की पहले ट्रेनिंग रोकी गई और अब गिरफ्तारी का इंतजाम कर दिया गया, क्योंकि आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली। यह एफआईआर यूपीएससी की शिकायत पर की गई है। एफआईआर में पूजा खेड़कर पर तीन बड़े आरोप लगाए गए। पहला आरोप, फर्जी पहचान के आधार पर यूपीएससी की परीक्षा दी गई। उसके बाद दूसरा आरोप, जालसाजी करके अपने डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किए गए। और तीसरा आरोप यह कि नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज्यादा बार यूपीएससी की परीक्षा दी गई। पूजा खेड़कर पर यह वो आरोप है जो यूपीएससी की जांच में सही पाए गए। यानी जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर पूजा खेड़कर दोषी पाई गई तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके चांस बहुत ज्यादा है। और अब पूजा खेड़कर की नौकरी भी जा सकती है। वो क्यों जा सकती है सुनिए जरा, क्योंकि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। साथ ही यूपीएससी भविष्य में पूजा खेड़कर को परीक्षाओं में शामिल करने पर रोक लगा सकती है। यानी अब तक सिस्टम के साथ फर्जीवाड़े का गेम करने वाली आईएएस पूजा खेड़कर का खेल अब खुद खत्म होने वाला।